हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क एनर्जी और पावर में। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वर्क के बारे में। वर्क का जो बेसिक सा फंडा है वो हम लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो वर्क है वो बहुत ही डिफरेंट कंडीशन में फोर्स लगते हैं, तब वर्क किस टाइप के रहेंगे उसके बारे में हम स्टैंडर्ड 11th साइंस में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सी हियर, वर्क इज इक्वल टू व्हाट। सपोज देर इज अ वन ब्लॉक हुज मास इज एम, देर इज अ वन अप्लाइड फोर्स इज एफ, और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डिरेक्शन में हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने डिफाइन किया एस से। सो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू द ब्लॉक एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज एस, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर एफ डॉट वैक्टर एस, दैट इज नोन एज वर्क डन, ठीक है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जिस डिरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डिरेक्शन में हो रहा है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देयर इज अ वन एग्जांपल, सी हियर। सपोज हमारे पास कोई एक ब्लॉक है एम, सपोज फोर्स एफ एट एनी एंगल थीटा पे लग रहा है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट समझो एस हो रहा है। तो देर आर टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस वन इज एफ कॉस थीटा एंड दिस वन इज एफ साइन थीटा, ओके। तो ये जो एफ कॉस थीटा रहेगा वो ब्लॉक को मूवमेंट कराने में काम आएगा, और ये जो एफ साइन थीटा रहेगा वो ब्लॉक को लिफ्ट कराने में काम आएगा। अगर हमें ब्लॉक को उचकना है सरफेस से तो ये एफ साइन थीटा यूज करेंगे, और ब्लॉक को अगर हमें आगे ले जाना है तो हम एफ कॉस थीटा यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं वर्क डन की डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू ये जो फोर्स है इसका पैरेलल कंपोनेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ पैरेलल इनटू एस, ये इसकी डेफिनेशन बन सकती है। और दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एस पैरेलल। इट मीन्स जिस डिरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डिरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हमें लेना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव वर्क डन। कौन सा वर्क डन? पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन हम किसको बोलेंगे? देखो यहां पे, सपोज देर इज वन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मैं यहां पे स्प्रिंग फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे ब्लॉक को जिस डिरेक्शन में हम लोग खींचते हैं उसकी बात कर रहा हूं। सोचो मैंने ब्लॉक को अप्लाइड फोर्स यहां पे ऐसे लगाया एफ, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डिरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डिरेक्शन। सो वर्क डन इज इक्वल टू वैक्टर एफ डॉट वैक्टर एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो है वो अप्लाइड फोर्स है, जो हमने अप्लाई किया है वो अप्लाइड फोर्स, उसी डिरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे थीटा जीरो डिग्री बनता है। कौन सा बनता है? जीरो डिग्री। तो तब हमें जो वर्क डन मिलेगा वो वर्क डन हमें पॉजिटिव मिलेगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन, ओके। तो पॉजिटिव वर्क डन कब मिलेगा? व्हेन जीरो लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 90। जीरो से 90 तक हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। अभी हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। नेगेटिव वर्क डन कब मिलेगा? नेगेटिव वर्क डन, ये इसकी एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेगेटिव वर्क डन समझो, सपोज कि कोई एक रफ सरफेस है, वहाँ पे हम लोगों ने एक ब्लॉक रख दिया एम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा फ्रिक्शन फोर्स की। अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लेके अप्लाइड ब्लॉक को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, यहाँ से इतना लेके गए, लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट डिरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्ट ऑलवेज अपोजिट डिरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो वी विल राइट वर्क डन इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन दैम। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के बीच का एंगल 180 बनता है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा नेगेटिव। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ एस इंटू एस। इज इट क्लियर? ओके। एंड थर्ड वन इज जीरो वर्क डन। कौन सा वर्क डन? जीरो वर्क डन। तो ध्यान में रखना, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में क्या रहेगा, देखो यहाँ पे, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेंजेंशियली होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी टेंजेंशियली होती है, और जो फोर्स लगेगा वो टोवर्ड्स द सेंटर लगेगा। सो एंगल बिटवीन दैम इज इक्वल टू 90, और कॉस 90 क्या बनता है? जीरो बनता है, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? जीरो। इज इट क्लियर? ओके, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग।